हेलो एवरीवन, एक बार फिर से नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आप सबको बताऊंगा कि किसी किसी का ब्लॉग, एक ही दो ब्लॉग में उनका ब्लॉग वायरल हो जाता है। आपने देखा होगा थंबनेल में, तो ऐसा क्यों होता है? किसी किसी का चार पांच वीडियो में या किसी किसी का एक ही वीडियो में ब्लॉग वायरल हो जाता है और दो ही तीन वीडियो में उनका चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है, और किसी किसी का 10, 20, 50, 100 भी डाल देते हैं फिर भी उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। अभी मेरे सामने से एक ट्रक जा रही है, आपको थोड़ा आवाज़ में डिस्टर्ब हुआ होगा, तो मैं भी मुद्दे पे आता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी का एक ही दो वीडियो में ब्लॉग वायरल हो जाता है? तो देखो, मेरा मानना है कि किसी किसी का लक भी होता है। ठीक है, हम ब्लॉग तो सभी बनाते हैं, सब अच्छी अच्छी ब्लॉग बनाते हैं, कोई नहीं चाहता कि हमारा ब्लॉग ख़राब हो। ठीक है, तो जब वायरल होता है अगर किसी का ब्लॉग, तो मेरा मानना है कि लक, अगर किसी का लक अच्छा है तो उसका पहला दूसरा वीडियो ही वायरल हो जाता है और उसी से उनका चैनल मोनेटाइज भी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, लक भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर किसी किसी का लक अच्छा है तो एक दो वीडियो में तुरंत वायरल हो जाता है और चैनल ग्रो भी कर जाता है। लेकिन अपने को जहाँ तक हो सके वीडियो और ब्लॉग अच्छा बनाना चाहिए। हो सकता है कि कोई आपका भी लक आ जाए और वीडियो वायरल हो जाए, और जब वीडियो अच्छी रहती है, ब्लॉग आपका अच्छा रहता है, तो ज़्यादा वायरल होता है। अभी आप ये सोच के कि मेरा लक अच्छा नहीं है, ऐसे बना दिए हल्का फुल्का ब्लॉग, ठीक है, और हो सकता है लक आ जाए आपका, लक साथ दे गया और वीडियो आपकी वायरल हो गई और आपकी वीडियो में, आपके ब्लॉग में, कंटेंट में दम नहीं है, तो फिर तब तो आप पछताएंगे, यार इससे अच्छा भी मैं बना सकता था, इससे बेहतर भी मैं चाहता तो बना सकता था। लेकिन उस समय सिर्फ आप पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जब भी वीडियो या ब्लॉग बनाओ तो सच्चे ईमानदारी से और अच्छा कंटेंट बनाओ, ताकि अगर आपका लक साथ दे तो आपकी वीडियो और भी वायरल हो जाए। इसलिए जब भी वीडियो बनाओ तो मन से बनाओ और अच्छा बनाओ। तो दोस्तों, यही था आज के ब्लॉग में, मिलते हैं फिर कोई नए ब्लॉग में, तब तक लिए।